नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अपने YouTube चैनल कनेक्ट ब्लॉग पर स्वागत करता हूं। और आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपके सारे परिंदे भी अच्छे होंगे। तो आज भाई मैंने अपने जो शाहजहाँपुरी कबूतर मेरा है वो बीमार था और अब वो लगभग 4-5 दिन के बाद सही भी हो गया है। तो मैंने आज उसको जो है फीमेल पेयर था जिसके साथ उसका पेयर लगा हुआ था, आज मैंने उसके साथ कर दिया है और बढ़िया से रहेंगे अपने और जल्दी से पेयर उनका लगे, अंडे भी हों अच्छे से। और इसलिए मैंने इसमें जल्दी से कर दिया क्योंकि ज़्यादा दिन रहेगा, अगर अलग रहेंगे तो पेयरिंग अगर दूसरों के साथ लग जाती है तो बाद में बहुत दिक्कतें आ जाती हैं भाई, तो बाद में बहुत दिक्कतें हो जाती हैं, फिर पेयर तोड़ने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने आज उसको उसी के साथ कर दिया और जिस खाने में वो रहते थे उसी खाने में मैंने उनको कर दिया है। ये देखिए बढ़िया, इनका पेयर पहले से ऑलरेडी लगा हुआ था लेकिन जो है इसको जो है ग्रीन बीट होने लगी थी तो मैंने इसको 4-5 दिन के लिए यहाँ से अलग कर दिया था और अब ये लगभग 90% सही हो चुका है। लेकिन ट्रीटमेंट अभी इनका चालू रहता है, जब तक बिल्कुल परफेक्ट सही नहीं हो जाता है तब तक इस पर ट्रीटमेंट चालू रहेगा। और फीमेल आप भी देख लीजिए, बिल्कुल पास से देख लीजिए भाई, कितनी छोटी चोंच की है और क्वालिटी बहुत ही अच्छी इसकी है। ये देखिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी की फीमेल है और उसी तरह मेल भी जो है वो भी अच्छी क्वालिटी का है। आप उसके गले की साइनिंग देख सकते हैं, ग्रीन सैग लिए हुए है और ऐसे पिजन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। और फिर बाद में जब बीमार हो जाते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं भाई कि क्या किया जाए और इनको कैसे बचाया जाए। लेकिन फ़िलहाल मैंने कुछ ट्रीटमेंट के बाद इसको बचा लिया है। फिर मेल की तो इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि वो अपने पैर पे मतलब यूँ करिए उसका पैर भी ख़राब हो गया था, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद उसका पैर अब सही हो चुका है और देखिए अभी बैठा हुआ है। तो इनको एक दोनों के साथ रहने देते हैं और इसको बंद कर देते हैं क्योंकि अगर इसको हम यहाँ पे इसको बंद नहीं करेंगे तो इनका पेयरिंग जो ये लगे हुए हैं ये इसके अंदर घुस के मारपीट करते हैं और जो है उसके अंदर से उनको बाहर निकाल देते हैं। और देखिए ये बच्चा है भाई, ये भी अभी लगभग बड़ा हो गया और ये देखिए इसके मुंह पे दाना निकला हुआ था, देख रहे हैं कितना बड़ा दाना निकला हुआ था। लेकिन मैंने इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया और ये खुद से अब दाना वाना खाने लगा और ये सही भी हो जाएगा। अब तो दाना बहुत छोटा हो गया और सूख रहा है, धीरे धीरे निकल जाएगा। तो इसको हम रख देते हैं यहाँ पर। बाकी वो वाली फीमेल जो है फीमेल वो अपने बच्चों को लेकर बैठी हुई, लेकिन आपकी सबसे बड़ी बात इसमें ये रही कि आपकी जो बच्चे निकाले हैं इसने दोनों ब्लैक में निकले हुए हैं और जबकि हर बार जो बच्चे निकलते थे उसमें से जो है एक जो है वाइट कलर में आता था और एक ब्लैक कलर में आता था, लेकिन आपकी ऐसा नहीं है, आपकी दोनों ही ब्लैक कलर में बच्चे निकले हैं। उनके रंग से अभी से ही लग रहा है और अब कि इन दोनों को बच्चों को मैं नहीं उड़ाऊंगा, इनकी पेयरिंग करूंगा और पेयर करते हैं फिर बच्चे निकालते हैं फिर देखते हैं, क्योंकि इसके बच्चे बहुत अच्छे उड़ान में टाइमिंग देते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि पेयरिंग कर देते हैं क्योंकि बच्चे उड़ते हैं लेकिन रुक नहीं पा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉप के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।